हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। बहुत सी ऐसी प्रोसेस हैं जो अब्रेसिव ग्रेन जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, डायमंड डस्ट और बोरोन सिली कार्बाइड आदि का प्रयोग करके वर्क पीस की फाइनल फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है मैग्नेटिक फ्लोट पॉलिशिंग। और इस प्रोसेस में जो कंपोनेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल हमें नज़र आ रहे हैं। दो ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स हैं ये गाइड रिंग की तरह काम करती हैं। ये ड्राइव शाफ्ट है, रेड स्ट्रिप फ्लोट और सिरेमिक्स बॉल जो वर्क पीस के तौर पर यूज़ की जाती हैं। और यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक फ्लूड है जिसमें एब्रेसिव ग्रेन का प्रयोग किया जाता है। और जो मैग्नेटिक फ्लूड है यह एब्रेसिव ग्रेन और एक्सट्रीमली फाइन फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल और कैरियर फ्लूड का कम्बिनेशन होता है। कैरियर फ्लूड के तौर पर पानी या फिर कैरोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से गाइड रिंग के बीच के स्पेस को फिलअप किया जाता है और सिरामिक्स बॉल्स को ड्राइव शाफ्ट और फ्लोट के बीच में रखा जाता है। जो लोकेशन है सिरामिक बॉल की वो ड्राइव शाफ्ट और फ्लोट के बीच में होती है। फ्लोट एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। जब ड्राइव शाफ्ट घूमती है उस समय सिरामिक्स बॉल्स उसके विपरीत प्रेशर होती हैं और अब्रेसिव एक्शन की मदद से उनकी पॉलिशिंग की जाती है। अब्रेसिव ग्रेन, सिरामिक बॉल्स और फ्लोट, इन तीनों को मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा सस्पेंशन किया जाता है। मैग्नेटिक फोर्स हमें परमानेंट मैग्नेट से मिलता है। अब्रेसिव पार्टिकल्स के द्वारा जो फोर्स सिरामिक्स बॉल पर अप्लाई किया जाता है वह बहुत कम और नियंत्रण में होता है, जिसकी वजह से सिरामिक्स बॉल्स की पॉलिशिंग बहुत उम्दा किस्म की होती है, अर्थात एक्सीलेंट होती है। और पॉलिशिंग की यह तकनीक दूसरी पॉलिशिंग मेथड्स के मुकाबले बहुत कम समय लेती है। और इस प्रोसेस की महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिश्ड सरफेस पर किसी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट नहीं होता, और यह तकनीक काफ़ी किफ़ायती भी है। अगर सिरामिक्स की बात करें, सिरामिक्स के एग्जांपल जैसे सीमेंट, कंक्रीट, टाइल, जितनी भी सभी तरह की टाइल्स हैं वो सिरामिक्स की श्रेणी में आती हैं, क्ले, ब्रिक्स इत्यादि। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।